शहर में सूरजदेव जमकर अपना कहर बरपा रहे हैं। मार्च महीने से ही शहर का तापमान बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और अब अप्रैल महीना शुरू हो चुका है तो तापमान में और बढ़ोतरी होना लाजमी है, जिसके चलते शहर में कूलर की मांग बढ़ी है। राज्य की उपराजधानी नागपुर में इन दिनों तेज धूप तपने लगी है। सूरज देवता जमकर कहर बरपा रहे हैं। सुबह से ही कड़ी धूप रहती है तो दोपहर होते होते और तेज हो जाती है, जिसके चलते हवा में भी अच्छी खासी गर्मी महसूस होने लगी है। शहर में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचने से लोग परेशान हो रहे हैं और अब अप्रैल महीना शुरू हो चुका है तो धूप और तेज होने लगी है। इसके मद्देनजर घरों में कूलर लगना शुरू हो गए हैं। लोग कूलर और कूलर के लिए लगने वाली चीजें लेने शहर के कॉटन मार्केट परिसर में बड़ी मात्रा में दिखाई दिए, जिसका जायजा हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख द्वारा लिया गया। आइए डालते एक नजर। मार्च महीना खत्म होते आ रहा है और धूपकाले की शुरुआत जो है हो चुकी है। जो उपराजधानी की धूप होती है वो कड़ी धूप होती है और जिसके चलते हम आज मार्केट का जायजा लेने यहाँ आए हैं। कॉटन मार्केट में फिलहाल हम है, आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि किस तरह से जो है लोग जो है घर पर कूलर जो है ले जाने की ओर में लगे हैं। हम यहाँ के जो होलसेल मार्केट है कूलर का वहाँ आए हैं। वहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो लोग हैं बड़ी मात्रा में कूलर हो, कूलर के लिए लगने वाला सामान हो, खर्च हो इत्यादि सामान जमकर यहाँ से जो है लोग लेके जा रहे हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।